संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश में ही सर्वनाश है और सर्वनाश करने वाले तीन है काम क्रोध लोभ। काम से ही दोनों की सत्ता है क्रोध और लोभ की। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्रियम त्यजेत। बुद्धि भ्रष्ट करने वाले हैं। अब लोभ निंदनी और बंदनी दोनों है। नाम जप का लोभ हो जाए तो बंदनी है, दूसरों की सेवा का लोभ हो जाए कि हमें धन मिले, हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, मरीज जो रोगी लोग हैं उनको औषधि दें, जो भूखे हैं उनको अन्न दें, पशु पक्षियों की सेवा करें, तो लोभ एक बंदनी है और एक निंदनी है। आप बोलिए बंदनीय लोभ धारण करना या निंदनीय? तो फिर हमको निंदनीय लोभ से हटना है तो हमें परेशानी क्या है? लोभ को हटाने की जरूरत नहीं, लोभ बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन लोभ किस विषय का? दूसरों का मंगल, अपना मंगल, तभी वो लोभ सार्थक है। रुपये का लोभ, भोगों का लोभ, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने का लोभ, ये चीजें फिर निंदनीय है। बंदनीय लोभ को धारण करो, लोभ को बदल दे। जैसे कोई नदी की धारा जा रही है तो हम उसको अगर रोकना चाहें तो पहले हम आसपास उसके नहर निकाल दें दो उसकी धारा को रोकने के लिए, तो हम फिर रोक सकते हैं। ऐसे लोभ की धारा जा रही है, अब वो गलत दिशा में मुड़ गई, अब उसके आसपास हम सद दिशा वाली नहरें निकालें। हम लोभ करें कि भले धन का ही करें पर हमारे पास धन आवे तो माता पिता की सेवा करूं, बूढ़ों की सेवा करूं, गली में जो पड़े हैं जिनको कोई नहीं पूछता उनको वस्त्र दूं, उनको भोजन दूं, उनको सुख पहुंचाऊं, और धन बढ़े तो एक ऐसा निवास स्थान बनाऊं जिसमें वयोवृद्धों को रखूं, सबकी सेवा करूं, नाम जप करूं, भगवान की प्राप्ति करूं। ये सब कितना बढ़िया लोभ है, लेकिन लोभ को अगर हम गलत मार्ग में ले जाएं तो फिर वो हानिकारक है। क्यों भाई? तो लोभ को उसको बदल दो, कोई परेशानी? किस प्रकार का लोभ आपको दुख देता है? बोलिए। हर एक चीज का लोभ है। हर एक चीज में कुछ प्रधान चीजें भी तो होंगी। पैसे का लोभ है, भोग का लोभ है, नाम का लोभ है कि हमारा नाम हो जाए। हाँ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। प्रभु का नाम जप करो तो हमारे पास धन का अगर लोभ है तो हम दूसरों के हित की भावना के लिए करें तो मंगल हो जाएगा। क्यों? नाम भी हो जाएगा। नाम जप करो आज से प्रभु का और यश गाओ प्रभु का, और धन की इच्छा करो कि अगर हमारे पास ऐसा धन हो तो मैं बुजुर्गों की सेवा करूं, परिवार को सुख पहुंचाऊं, समाज की सेवा करूं, राष्ट्र की सेवा करूं। ये लोभ बहुत कामदायक है अगर इसका दुरुपयोग न करें। अब रुपया आवे हम गंदे आचरणों में खर्चा करें, हम भोग वासनाओं में, वो गंदा मार्ग हो गया। गंदी बात है क्या? मैं तीन बार माला करता हूं साहब। और उठते बैठते अगर नारायण नारायण बोलते रहे तो घाटा हो जाएगा क्या? उठते बैठते बोलता हूँ तब दुख आ जाए ना, तब बाकी नहीं बोलना है यार। तो फिर लोभ कहाँ है? नाम का, नाम का लोभ, नाम का लोभ ऐसा तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणे परम व्याकुल। हर कदम में नाम जप करते रहो, अभी मंगल हो, नाम हो जाएगा तुम्हारा। नाम प्रभु का जपो तुम्हारा नाम हो जाएगा। लोभ प्रभु के नाम का रखो तो तुम बहुत बड़े धनी बन जाओगे, जो चाहोगे बजा लो। ये नाम भगवान का ऐसा जो चाहो प्राप्त कर लो। उठते बैठते चलते फिरते क्यों नहीं जप सकते? जब दुख आवे तब कहाँ जप पाओगे? ऐसे ऐसे दुख है कि होश खराब हो जाएगा, भगवान याद ही नहीं आएंगे, इतना भयानक संसार में। एक सुख में सुमिरन कर लो तो दुख काहे को होए? अगर सुख में सुमिरन करोगे तो दुख देने वाले पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे तो दुख क्यों होगा? निरंतर नाम जपने का अभ्यास क्यों न करो? तीन माला कोई बहुत होता है क्या यार? संसार के लिए तुम इतना समय देते हो, भगवान के लिए कितना समय देते हो? मंदिर जाना आना हो कोई खास बात नहीं होती। अभी पीछे बैच में एक ने पूछा कि भगवान के मंदिर में आठों पैर सेवा करते हैं और इसके बाद गलत आचरण करते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो हम क्या विश्वास करें? तो उन्होंने भगवान को साधन बनाया रुपये का, भगवान को भगवान मान के थोड़ी सेवा कर रहे हैं। जैसे एक बनिया व्यापार करता है ऐसे भगवान को व्यापार माने, तो साध्य बनाया भोगों को तो पैसा आया, इसके बाद सब कर रहे हैं। भगवान को भगवान थोड़ी मानते हैं, वो तो भगवान को व्यापार मानते हैं। अब अगर व्यापार को भगवान मान लो तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाए,
भगवान को भगवान मानने की तो बात जाने दो, अगर व्यापार को भगवान मान लो तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाए। राधा राधा नाम जप कर रहे हैं जो गांह का या भगवान की भावना कर रहे हैं अपना व्यापार का, इसी को तो गृहस्थी में भगवत प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। यार तो निरंतर नाम का लोभ बढ़ाओ, सब लोग ठीक हो जाएंगे, है नहीं? हाँ देखो, जब समुद्र मिल जाता है तो छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती फिर। ऐसे जब भगवान की प्राप्ति हो जाए या भगवान नाम में चित्त डूब जाए तो फिर लोभ का नाश हो सकता है सांसारिक, नहीं तो बढ़ता ही जाता है। 100 का लोभ हो, 100 मिल जाए तो तृप्ति थोड़ी होगी, 1000 का आ जाएगा, 1000 मिल जाए तो लाख का लाख, तो करोड़ मिल जाए, अगर भगवान मिल जाए तो फिर खत्म हो जाता है। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान श्री हरि है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारे प्राण है, वही परमेश्वर है। यार नाम जप करो, उठते बैठते नारायण नारायण कहने में क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई पैसा लगेगा क्या? देखो बढ़िया आनंद आ जाएगा, आप हमारे पास आए इसका मतलब भगवान की कृपा है। तो आज से एक बात केवल पकड़ो, उठते बैठते चलते फिरते नारायण नारायण नारायण, ठीक है? फिर आप अगली बार कभी मिलना, बताना कैसा आनंद आ रहा है। बस ये कार्य कर, कोई नशा तो करते नहीं होंगे? नशा करता था, बंद कर दिया। अच्छा, कितने दिन से बंद कर दिए? 3 महीना हो गया। ये तो बड़ी कृपा भी, छोड़ दिया नहीं तो फिर जीवन ही बर्बाद हो जाता। एकदम से छोड़ दिया। अब कभी मत करना, नहीं करोगे पक्का? आओ नारायण नारायण जपो, हम तो वही कहेंगे जहाँ चल रहे उसी मार्ग में पुष्ट करेंगे, ठीक है? आप अच्छे चलो, बहुत अच्छे हो जाओगे और बहुत सुख मिलेगा। सच्ची कहते हैं तुमसे, अगर भगवत मार्ग में सुख ना होता ना तो माइक से चिल्ला चिल्ला के कहते, बड़े बड़े महापुरुषों के शासन में जीवन रहा है, हम आपसे कहते हैं कि अद्भुत परमानंद, अद्भुत महासुख, विश्राम, परम विश्राम, कोई चाह नहीं, न जीने की न मरने की, न कोई लाभ की न कोई हानि की, न कोई सुख की न कोई दुख की, यहाँ की बात कह रहा हूं। जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति प्राप्त कर लो कि कोई रोग, कोई शोक, कोई मृत्यु तुम्हें दुखी ना कर पाए। वो भगवान के चरणों का आश्रय, वो भगवान का भजन है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते जो माला करते हो करो, नारायण नारायण ऐसा जपते रहो, ठीक है? भजन में इतना प्रभाव है, आप सच्चे मानिए कि बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। कोई भी भजनानंदी दुखों को मिटाता नहीं है क्योंकि जानता है इसको भोग लेते हैं और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। देखो पैसा है, उसे चाहे जहाँ खर्चा कर लो, ऐसे भजन है। अगर आप मान लो हम चाहें कि हमारी किडनी ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी, लेकिन एक जगह कनेक्शन कट जाएगा। जो भगवान की प्राप्ति है, जो भगवान का रस है, उचार है ना, वो भगवत प्राप्ति ही है। एक बार जहां भगवत साक्षात्कार हुआ, कृतकृत्य हो जाता है जीव, आनंद मगन हो जाता है। जैसे जन्म जन्मांतरों से हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन देखो कहीं हमको तृप्ति नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ वो है नहीं, वो यहाँ है अपने अंदर हृदय में, और जहां उसका साक्षात्कार हुआ बस फिर कृतकृत्य हो जाता है जीव। अब वो चीज ऐसी तो है नहीं कि बता सके आनंद का, जैसे बोले कितना आनंद है, बोले बहुत। अरे मानो हम आपको एक मीठा खवाया, गुलाब जामुन को है, कैसा है? बोले मीठा है। एक कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा है। एक बहुत मीठा कैसा है? बोले गुलाब जामुन खा के देख ले फिर, नहीं आएगा? अनुभव गम्य भजन जय संता। बोले भजन में कैसा आनंद? बोले बहुत आनंद। बोले नहीं बहुत आनंद कैसा? बोले करके देख लो, क्योंकि अनुभव है। अब जवान की ताकत तो थोड़ा ही वर्णन करने की, एक प्राकृतिक आनंद को एक सीमा तक बोल सकती है। बोले कैसा है? बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा? बोले बहुत मीठा है। नहीं बहुत मीठा कैसा आनंद है? बोले खा के देख लो, इसके आगे नहीं बोल सकते आप। तो भगवदानंद कैसे कोई बोल सकता है कि कितना है कैसा है? वो तो अनुभव गम है, इसलिए नाम जप करो, बहुत आनंद का विषय जी।